June. दस मिनट के लिए मिला रहे हैं मुझे। तो ये पकना स्टार्ट हो चुका है। एक घंटा के बाद देख सकते हैं मटन पक के तैयार हो चुका है। कैसा लग रहा है भैया हांडी मटन का टेस्ट? एक नंबर। आपको कैसा लग रहा है भैया? बहुत टेस्टी है। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। तो फाइनली अपने मुजफ्फरपुर शहर में खुल चुका है देसी चंपारण मटन हाउस। आज इसका ओपनिंग है। वीडियो अंत तक देखिएगा, हर चीज डिटेल में बताएंगे कैसे हांडी मटन बनता है, क्या है प्राइस, क्या क्या यहाँ मिलता है, क्या है लोकेशन, हर चीज डिटेल में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। कितना मटन अभी बना रहे हैं आप? बना रहे हैं सवा किलो। सवा किलो का, उसमें कितना प्याज लगेगा? प्याज लग जाएगा आपको 900 ग्राम। 900 ग्राम। अभी इसमें लहसुन पेस्ट डाले हैं। लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला है, जीरा पाउडर है, ठीक है, मरीच पाउडर, व्हाइट पेपर। ये क्या है? व्हाइट पेपर। अब हल्दी पड़ रहा है। अच्छा, हल्दी आ गया। मिर्चा पाउडर, ठीक है। किचन किंग। ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मसाला तैयार हो रहा है। हम पूरा मेकिंग दिखाएंगे आपको कि कैसे बनेगा हांडी मटन। आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, एकदम रेस्टोरेंट वाला टेस्ट मिलने वाला है। ये चिकन मसाला, कश्मीरी मिर्च, किचन किंग। ये किचन किंग आ गया, देख सकते हैं मसाला का एकदम भरमार है, तभी इतना मस्त टेस्ट बनता है। हांडी मटन में टेस्ट आता है। मसाले का आइटम देख सकते हैं कि इतने सारा मसाला रखा हुआ है पूरा। स्वाद अनुसार इसमें नमक जा रहा है मसाले में। और ये देख सकते हैं कि यहाँ पे पड़ रहा है। अब इसको क्या कीजिएगा? इसको मिलाएंगे। तो यहाँ देखिएगा, अभी इसको अच्छी तरह से सौना जाएगा, मिक्स किया जाएगा पूरे मसाला को और प्याज को। इसमें क्या सरसों तेल भी इसमें मिक्स किया गया है। अब इसमें पड़ेगा गरम मसाला, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, कबाब चीनी। अच्छा, इसमें ऐसे करते हैं, ये रखते हैं। ये आ गया लहसुन पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है, कश्मीरी मिर्चा। कितना देर के लिए इसको मिलाते हैं? 10 मिनट। अच्छा, इसे मिलाने से क्या होता है? मिलाने से पूरा मसाला मिल जाता है। अच्छा दोस्तों, इसमें आ चुका है सूखा मिर्चा, तेजपत्ता आ गया, ये नॉर्मल हांडी है या फिर खास हांडी कुछ आता है क्या? खास हांडी। अच्छा, खास हांडी है। छोटी इलायची, इसमें छोटी इलायची आ गया। अभी तक तीन चीज डल चुका है इसमें, मरीच हो गया खारा, अब इसमें पड़ेगा सरसों का तेल, बदल गया। ये सारे चीज डालने के बाद इसमें आ गया सरसों तेल। अच्छा, सवा किलो मटन बनाने के लिए कितना तेल डाल रहे हैं? 300 ग्राम। देख सकते हैं कि ये इसमें तेल वगैरह आ चुका है। देख सकते हैं दोस्तों, इसमें हर चीज आने के बाद अब जो मटन सनाया था वो इसमें रखाएगा। डाल रहे हैं? हाँ। कितना पानी डालते हैं? 100 ग्राम। देख सकते हैं हर चीज डालने के बाद अब इसमें पानी रख रहे हैं, इसको फिर हिला रहे हैं। जो पैक किया जाता है ना हांडी मटन बनाने के लिए, सबसे जरूरी चीज होता है इसको अच्छी तरह पैक करना, क्योंकि अगर इसमें से गैस बाहर निकलेगा तो फिर ये ठीक से पकेगा नहीं। इसको अभी अच्छी तरह पैक करेंगे। कितना देर में ये पकता होगा? एक घंटा। देख सकते हैं एक घंटा इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाया जाता है। और देख सकते हैं यहाँ पे पैकिंग जो हो रहा है, आप पैक देख सकते हैं कि बहुत ही बारीकी तरीके से किया जाता है, थोड़ा भी जगह नहीं छोड़ा जा रहा है। अब ये हांडी मटन पैक हो चुका है। अब ये जाएगा कोयला पे, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ये पकेगा। एक घंटा ये यहीं पे चढ़ा रहेगा, उसके बाद हमारा हांडी मटन बन के तैयार हो जाएगा।
अभी इस पर कोयला वगैरह रखाएगा फिर इसमें आग लगेगा। ये देख सकते हैं कोयला रखाना स्टार्ट हो गया है। तो अभी हम लोग हैं देसी चंपान मटन हाउस में और यहाँ देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा भीड़ लगता है कि लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, पुलिस वगैरह हर लोग यहाँ पे आते हैं मटन वगैरह टेस्ट करने। क्योंकि हांडी मटन के जो पसंदीदा लोग होते हैं वो ज़रूर ढूंढ लेते हैं कि हांडी मटन कहाँ मिलता है। देख सकते हैं भाई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इंतज़ार कर रहे हैं कि कब हांडी मटन बन के तैयार होगा और इनके पास आएगा। चावल लगना स्टार्ट हो चुका है, भीड़ देख सकते हैं दुकान में, पूरा दुकान भरा हुआ है। आधा घंटा हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं आटा जो लगा हुआ था चारों तरफ से ये पकना स्टार्ट हो चुका है और ये भी गर्म होने लगा है और धुआं आने लगा है। अभी आधा घंटा और रुकना होगा फिर हमारा हांडी मटन हो जाएगा तैयार। एक घंटा के बाद देख सकते हैं मटन पक के तैयार हो चुका है और अभी हम लगवाते हैं एक प्लेट और टेस्ट करते हैं कि कैसा मटन बना है। फाइनली दोस्तों एक घंटा रुकने के बाद हांडी मटन तैयार हो गया है और अभी हम इसको टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि वाकई में हांडी मटन का टेस्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए टेस्ट करते हैं और टेस्ट करने के बाद आपको हम बताएंगे इसका प्राइस क्या है, हर चीज़ पूरा चीज़ बताएंगे। तो टेस्ट करते हैं, पहले मटन को देखते हैं। ये देखिए मटन का पीस तो पक चुका है बहुत अच्छी तरीके से, ये देख सकते हैं ये बहुत आसानी से ही टूट जा रहा है। तो मटन तो बहुत अच्छी तरह पक चुका है, तो इसका फर्स्ट बाइट लेते हैं ये थोड़ा सा ग्रेवी के साथ। ये फर्स्ट बाइट जा रहा है, बहुत बढ़िया है। जो कढ़ाई में मटन बनता है, जो मटन का टेस्ट हांडी का रहता है ना, वो दोनों में फर्क आ जाता है। हांडी का मटन में एक सोनेपन आ जाता है और टेस्ट एकदम बढ़ जाता है। चलिए इसको पूरी तरह फिनिश करते हैं और मिलते हैं वीडियो के अंत में। क्या है प्राइस, क्या है मटन जो हांडी मटन है उसका प्राइस क्या रखे हुए हैं आप? देखिए वैसे मार्केट अगर देखा जाए तो पटना में देखिए 1400 है, मुजफ्फरपुर में 1100 है, जी 1100 है, जी जी। तो मैंने उसे भी मिनिमम रखा है 1000 रुपये पर केजी। अच्छा 1000 रुपये पर केजी, जी ये तो बहुत मिनिमम है क्योंकि 700-800 रुपये केजी तो अभी मटन मिलता ही है खड़ा। अच्छा घी में बनाते हैं। अच्छा लोकेशन क्या होगा, जो लोग आना चाहेंगे वो लोकेशन थोड़ा सा अच्छे से बता दीजिएगा। अच्छा जी, 10 कदम आगे राइट साइड। अच्छा तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे और मटन हांडी के अलावा और क्या क्या देते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है एक बार। अच्छा हांडी मटन, चिकन हांडी, बिरयानी, सीख कबाब। अच्छा मतलब इस चीज के मतलब मटन हांडी के अलावा भी काफी चीजें आप यहाँ पे दे रहे हैं। तो फाइन दोस्तों अभी हमने आपको बताया यहाँ का प्राइस डिटेल, यहाँ का इंटीरियर, यहाँ पे क्या क्या मिलता है, हर चीज बताया, यहाँ से ऑनर से बात की है। वीडियो आपको कैसा लगा है कॉमेंट में बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हमारे चैनल पे सबसे पहले अपडेट मिलता है। तो मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।